हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24x7 के इस सेशन में। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। और आज इसका हम चैप्टर फोर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर फोर्थ पढ़ेंगे। और चैप्टर फोर्थ में क्या पढ़ेंगे? भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया यानी जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कैसे कैसे बना, उसमें किसने उसको बनाने की मांग की, या किसने पहले मांग की, या उसके लिए क्या कमेटी गठित की गई, या कौन सी सभा गठित की गई, और किन लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या, आज क्या देखेंगे, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। तो आपका ये जो वीडियो है, ये वीडियो भी आपका आपका इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट है आपका, उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं। तो आपका जो चैप्टर थर्ड है और चैप्टर फोर्थ, ये इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप एक एक जगह इन टॉपिक को पढ़ लेंगे तो आप क्या दोनों जगह के क्वेश्चंस आप इससे कवर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सभी जो अपडेट्स मिले या जो भी वीडियोस आए वो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन, भारतीय संविधान की निर्माण प्रक्रिया। तो पहले क्या है, सबसे पहले भारतीय संविधान का जब निर्माण की बात आई तो सबसे पहले देखते हैं कि किन किस किसने इसकी मांग की, या किसने कहा कि हमें एक भारतीय संविधान का निर्माण करना चाहिए, संविधान भी होना चाहिए। तो क्या 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान निर्माण की, संविधान की मांग की। किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में भारतीयों के लिए संविधान की मांग की। आगे देखते हैं आगे क्या है, फिर आगे क्या, महात्मा गांधी ने भी संविधान की मांग की। तो कब मांग की थी? 1922 में, 1922 में महात्मा गांधी ने इस मांग को दोहराया था। यानी सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक, फिर महात्मा गांधी ने इस मांग को दोहराया था, फिर क्या है, फिर उसके 2 साल बाद क्या है, मोतीलाल नेहरू ने, यानी 1924 में मोतीलाल नेहरू ने इस मांग को दोहराया था। 1934 में M.N. रॉय और जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को दोहराया। यानी कि सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक, फिर 1922 में महात्मा गांधी, फिर 1924 में मोतीलाल नेहरू, तथा 1934 में M.N. रॉय और जवाहरलाल नेहरू ने इस मांग को दोहराया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, एक दल के रूप में, एक पार्टी के रूप में सर्वप्रथम किसने संविधान की मांग की? स्वराज पार्टी ने। क्या? एक स्वराज पार्टी ने एक दल के रूप में सर्वप्रथम भारतीय संविधान की मांग की थी। और कांग्रेस ने इसको कब दोहराया, कांग्रेस ने कब इस भारतीय संविधान की मांग की? तो 1936 में, 1936 में कांग्रेस ने इसे दोहराया था। तो अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई। तो सबसे पहले नाम आता है एक नेहरू कमेटी का। तो नेहरू कमेटी ने क्या किया था, एक्चुअली इन्होंने काम चलाओ एक संविधान तैयार करा लिया था, कर लिया था, जिससे क्या है कि एक हमारा काम चल सके। तो क्या है, नेहरू कमेटी एक सर्वदलीय समिति थी, यानी कि बहुत से दलों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई थी। तो क्या ये एक सर्वदलीय समिति थी जिसने 90 दिन में काम चलाओ संविधान तैयार किया। कैसा किया? काम चलाओ, यानी कि काम चलने लगे तो इन्होंने 90 दिन के टाइम पीरियड लिया था, उसमें ये संविधान बनाकर तैयार कर दिया। तो क्या है, 90 दिन में काम चलाओ संविधान तैयार किया था। आगे देखते हैं आगे क्या है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, और इसके सचिव कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इससे क्वेश्चन भी बनता है, तो क्योंकि ये काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, क्योंकि लोग बहुत से अक्सर क्वेश्चन कर देते हैं टिक की अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को टिक मार कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी को यहाँ का इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और सचिव कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे। इसके अन्य सदस्यों के बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा, इसके और कौन कौन से सदस्य थे। तो जिस सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस, तेज बहादुर सप्रू, अली इमाम, शोएब कुरैशी, M.R. जैकब, सरदार मंगल सिंह, N.M. जोशी और G.R. प्रधान। तो इसके ये अन्य सदस्य भी थे इस कमेटी में, और भी सदस्य थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, नेहरू समिति की कुछ सिफारिशें भी थी। नेहरू समिति जो नेहरू या कमेटी जो बनाई गई थी, उसने उसने क्या डिमांड की, क्या होना चाहिए कि एक डोमिनियन स्टेटस हमें मिलना चाहिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस मिलनी चाहिए, और क्या स्त्री पुरुष समानता मिलनी चाहिए, और भाषाई आधार पर प्रांतों का यानी जो जितने भी राज्य हैं उनका भाषा के आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, यानी कोई उपनिवेश की तरह हम एक यहाँ पर काम करेंगे, एक ब्रिटेन के उपनिवेश की तरह काम करेंगे,
और यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्त्री पुरुष समानता और भाषाई आधार पर प्रांतों का निर्माण करेंगे। ये क्या है, एक मुख्य इसकी डिमांड थी नेहरू समिति की। चार कुछ सिफारिशें जो मेन मेन थी वो हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे कैबिनेट मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कैबिनेट मिशन। यहाँ पर बता दूं मैं कि आपको 1942 में एक जो आया था, क्या भी एक मिशन आया था, वो क्या था, 1942 में आपका क्रिप्स मिशन आया था। कौन सा आया था, 1942 में क्रिप्स मिशन ने ये स्वीकार किया था कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। तो किसने स्वीकार किया था सबसे पहले, तो क्रिप्स मिशन ने 1942 में स्वीकार किया था कि भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। और कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुआ था, जो कैबिनेट मिशन आपका 1946 में आया था, इसमें क्या है, चलिए जान लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ जानकारी। इसमें क्या, इसमें कुल 3 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे इसके, पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष बनाए गए थे, और दूसरे अन्य सदस्य को स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके अन्य 2 सदस्य थे। और क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा का गठन इसी मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। जो भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था वो इसी मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था। यानी कैबिनेट मिशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन भी इसी के सिफारिशों के आधार पर हुआ था। चलिए अब देख लेते हैं, अब सभा तो यहाँ पर गठित हो गई, अब सभा में कौन से लोग होंगे यानी जनप्रतिनिधि होंगे, तो प्रतिनिधि कौन कौन थे और कैसे थे, उनका कैसे चुनाव किया गया और कितने थे टोटल, वो चलिए वो जान लेते हैं। तो क्या है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, यानी ये बहुत आता है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कितनी कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया था। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। तो इस प्रकार कितने टोटल प्रतिनिधि चुने गए, 389, 389 प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया। तो आप जान लेते हैं 389 प्रतिनिधि कहाँ कहाँ से आए थे। उसमें से 292 सदस्य 11 प्रांतों यानी 11 स्टेट से की विधानसभाओं से चुने गए, और उसमें से 93 जो आपके सदस्य थे वो 562 रियासतों से, कितनी रियासतों से, 562। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी रियासतें थी, तो उनसे 562 रियासतों से मनोनीत किए गए 93 सदस्य, और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, यानी कि जहाँ पर कमिश्नरी यानी ब्रिटेन का अधिकार था, यहाँ पर जो ब्रिटेन उपनिवेश था, या उससे भी यहाँ पर जो चीफ कमिश्नरियां थी, मतलब जहाँ पर चीफ कमिश्नरियां थी, कमिश्नरियां तो बहुत जगह थी लेकिन जो चीफ कमिश्नरियां थी वहां से 4 सदस्य चुने गए थे। तो इस प्रकार अगर इनको टोटल करेंगे आप 292 का 93 और 4 को आपस में, तो क्या टोटल 389 कैंडिडेट हो जाते हैं। अब उसमें क्या है, कुछ ने इसको ज्वाइन किया और कुछ ने नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसके लगभग कितने 73, आप इसको याद रखना है, यहाँ पर मुस्लिम लीग थी उसके 73 कैंडिडेट थे। तो लेकिन अपनी इस कमजोर स्थिति को देखते हुए क्या मुस्लिम लीग ने एक अलग संविधान सभा की मांग रख दी थी, क्योंकि वो टोटल 389 में उनका केवल 73 ही थे, तो उनको ये लगने लगा कि हमारी स्थिति यहाँ पर कमजोर पड़ जाएगी, हमारी बातें कोई मानेगा नहीं, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। तो बहरहाल फिलहाल कितने लोग बचे थे एट लास्ट, क्या थे 299, 299 सदस्य बचे थे, जिसमें इसका 284 ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कितने, 284 लोगों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे कि जिन्होंने संविधान सभा की उनको सदस्यता तो दी गई लेकिन उन्होंने उनको लिया नहीं, उनको मना कर दिया कि नहीं हम संविधान सभा की उसका सदस्य नहीं बनेंगे। तो कौन से थे, जेपी तथा तेज बहादुर सप्रू, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दिया। आप इसको याद रखना है, यहाँ पर जेपी और तेज बहादुर सप्रू 2 लोग थे जिन्होंने संविधान सभा की सदस्यता अस्वीकार कर दी थी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि किससे चुने गए थे, यूपी से चुने गए थे। यहाँ पर यूपी आपका मिस हो गया, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि यूपी उत्तर प्रदेश से चुने गए थे। कितने चुने गए थे, टोटल 54 चुने गए थे। तो उस प्रांतों में सर्वाधिक प्रतिनिधि यूपी से चुने गए थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे रियासतों में सर्वाधिक जो आपकी रियासतें थी 562, जिसमें से 93 कैंडिडेट जो आपके चुने गए थे, तो उसमें से क्या है, उसमें से सर्वाधिक 7 प्रतिनिधि मैसूर से चुने गए थे। कौन सी रियासत से, मैसूर रियासत से 7 प्रतिनिधि चुने चुने गए थे। और किस प्रतिनिधि से, किस जो आपकी कौन सी रियासत थी जिससे कोई प्रतिनिधि नहीं है, तो हैदराबाद का कोई भी प्रतिनिधि नहीं था। हैदराबाद की जो रियासत थी वहां से भी कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं था। तो आपका एक क्वेश्चन बहुत आता है कि किस रियासत से कोई सदस्य नहीं था, तो क्या हैदराबाद की इस रियासत से कोई भी सदस्य नहीं था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है,
अब देखते हैं कब अब संविधान निर्माण कमेटी लोग आ गए, कमेटी पूरी एक संविधान सभा बन गई, तो अब क्या है संविधान निर्माण प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो अब देखते हैं कि सब हमारी जो क्या है संविधान सभा की पहली बैठक कब आई, 9 दिसंबर 1946, आपको याद रखें 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुई, यानी कि लगभग 1946 खत्म होने वाला था, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। और आखिरी बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को हुई, आपको ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे बिल्कुल याद हो जाएगी, फिक्स हो जाएगा, आपके माइंड में चिपक जाएगा, स्टिक हो जाएगा एकदम। और आखिरी बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो इस प्रकार से टोटल आप निकालेंगे तो कितना ड्यूरेशन या कितना टाइम लगा संविधान बनाने में, तो संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण हुआ, इतना टाइम संविधान को बनाने में लग गया। अब इस जो प्रक्रिया ये चली, तो इसमें कितना खर्च आया, कितना इन खर्च हुआ संविधान बनाने में, तो संविधान निर्माण 64 लाख रुपए, आप समझ सकते हैं कि उस टाइम 64 लाख रुपए का खर्च आया था, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खर्च आया था, 64 लाख रुपए खर्च आया था संविधान बनाने में। और समस्त बैठ के कहाँ हुई थी, तो संसद के केंद्रीय कक्ष में समस्त बैठ के हुई थी। और संविधान निर्माण के लिए कितनी बैठकें हुई थी, और हुई तो थी वैसे टोटल 12 सत्र हुए थे इसके, और 165 बैठकें हुई थी, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा आप देख सकते हैं कि संविधान निर्माण के लिए 11 सत्र और 165 बैठकें हुई, क्योंकि 12वां जो सत्र आपका हुआ था वो 24 जनवरी को हुआ था, जिसमें से मात्र सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे, इसलिए 11 11 सत्र जो विधिवत हुए थे उसमें से विधिवत चर्चाएं हुई थी और 165 बैठकें हुई थी। जो 12वां सत्र हुआ वो क्या हुआ आपका, केवल हस्ताक्षर के लिए हुआ। तो आपका अगर क्वेश्चन आता है कि कितने सत्र हुए, तो आपको क्या लगाना है, टिक, 12 सत्र हुए, कितने आपको, मैंने आपको ये थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया, डिस्क्राइब करने की वजह से, डिटेल की वजह से आपको ऐसे अलग अलग करके बता दिया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन आए कि कितने सत्र हुए, तो आपको ऑप्शन करना है कि 12वां सत्र टिक करना है आपको, ऑप्शन ऑप्शन यही टिक करना है, क्यों, क्योंकि चाहे भले ही हस्ताक्षर हुए हो लेकिन 12वें सत्र का आयोजन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, अब देखते हैं संविधान सभा बन गया, अब उसका क्या है, उसका हार्ड हेड होगा कोई, उसको उसको चलाने वाला भी होगा, तो ऐसे तो चलेगी नहीं, कोई कमेटी या कोई सभा बनती है तो उसको भी चलाने वाला कोई ना कोई होता है। तो कौन, देखते हैं संविधान सभा का जो बनाई बनाई गई, यानी 9 दिसंबर को 1946 को जब शुरू हुई, तो उसी दिन किसको बनाया गया था, उसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, लेकिन यहाँ याद रखें आप अस्थायी सदस्य थे, अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे ये, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थाई अध्यक्ष, आप याद रखना है कब चुना, कितने कब किस डेट को, 9 दिसंबर 1946 को, क्योंकि तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना नहीं गया था, तो ठीक उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया, कब, स्थायी अध्यक्ष, इसलिए आपको डेट यहाँ पर याद रखनी है और कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, जो आप सोचे कि हमने बता दिया यहाँ पर कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और आपने सोचा कि मैंने तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ रखा है, क्या क्या कंफ्यूजन है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा 2 दिन बाद यानी कर 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। चलिए ठीक है, अब क्या है उपाध्यक्ष कौन था इसका, अध्यक्ष तो हो गया, उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, हीरेन मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष, तथा बी एन राव को कानूनी सलाहकार, यानी कानून कानूनी सलाहकार किसे चुना गया था, बी एन राव को कानूनी सलाहकार चुना गया था। फिर ठीक 2 दिन बाद यानी 9 दिसंबर को संविधान सभा शुरू हुई, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर उसके 2 दिन बाद यानी दो दो दिन का गैप देकर यानी 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका उद्देशिका प्रस्ताव पढ़ा, तो क्या कालांतर में प्रस्तावना प्रोलॉग प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया गया था। तो आप देख रहे हैं ना, दो दो दिन के दिन पर सब कुछ हो रहा है, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर, डॉक्टर राजीव प्रसाद 11 दिसंबर, और उद्देश्य का 13 दिसंबर, दो दो दिन के अंतराल में आप डेट ऐसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। और क्या संविधान सभा के पहले अधिकृत वक्ता किसको चुना गया था, डॉक्टर राधा कृष्ण को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण को अधिकृत वक्ता संविधान सभा का बनाया गया था। अब यहाँ पर देखते हैं प्रारूप समिति, बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है ये संविधान निर्माण के लिए, इससे क्वेश्चन हर बार बनते ही बनते हैं। तो क्या है संविधान जो प्रारूप समिति, तो उसका गठन कब किया गया था, उसका गठन 29 अगस्त 1947 को, कब, डेट आपको याद रखनी, भूलना है, 29 अगस्त 1947
29 अगस्त 1947 को किया गया। इसका अध्यक्ष आप जानते होंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। और इसके अन्य सदस्य कौन कौन से थे उसको भी आपको याद रखना है, थोड़ा दिमाग में रखना है क्या, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादि कृष्णा स्वामी अयर, के एम मुंशी, बी एल मित्रा, डी पी खेतान और मोहम्मद सादुल्ला। आप इनको याद रखें, अयंगर अय्यर, देखिए नाम मिलता जुलता लिख रहा है, अयंगर अय्यर, उसके बाद के एम मुंशी, बी एल मित्रा, डी पी खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, तो ये अन्य सदस्य थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं टोटल कितने सदस्य थे, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग थे, टोटल 7 लोग थे इस समिति में, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे है कि डीपी खेतान की जब मृत्यु हो गई थी तो उनका स्थान किसने लिया था, उनका स्थान पीटी कृष्णाचार्य को नियुक्त किया गया था डीपी खेतान की जगह। तो आप कैसे आ सकते हैं कि यहाँ भी डीपीए डीपीटीटी, लगभग बिल्कुल सेम साउंड कर रहा है ना यहाँ पर, डीपीटीटी डीपीटीटी डीपीटीटी, ठीक है ना। तो आप इसको या ऐसे याद रखते, डीपीटी का एक टीका लगाया जाता है ना, डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि डीपी से डीपी कहते ना जाएगा, टी से टीटी कृष्णा चार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, और बीएल मित्रा ने क्या त्याग पत्र दे दिया था, तो बीएल मित्रा का क्या है, एन माधवराव ने स्थान लिया था उनका, बीएल मित्रा ने त्याग पत्र दे दिया तो उनका स्थान एन माधवराव ने उनका स्थान लिया था। तो आप कैसे, माधव माधव का एक कौन था, मित्र था, माधव का एक मित्र था, क्या नाम था उसका, बीएल, माधव का एक मित्र था उसका क्या नाम था, बीएल। तो ऐसे याद रखते हैं, बीएल मित्रा ने त्याग पत्र दिया तो एन माधवराव ने उसका स्थान ले लिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है प्रारूप समिति ने, देख लीजिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारूप समिति ने कितने देशों के संविधान को खंगाला, खंगाल के निकाला, वहां से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिए, जो भारतीयों के लिए बहुत ही अच्छे आर्टिकल थे, भारतीयों भारतीय परिस्थिति के हिसाब से बहुत सही थे। तो प्रारूप समिति ने 70 देशों के संविधान का प्रयोग भारतीय संविधान के निर्माण में, सॉरी 60 देशों के संविधान का प्रयोग भारतीय संविधान के निर्माण, कितने देशों का, 60 देशों के संविधान का प्रयोग भारतीय संविधान के निर्माण में किया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आंशिक रूप से, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से नहीं, आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया संविधान को, और इस दिन कितने, केवल 15 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, जिसमें से क्या नागरिकता वगैरह ये सब आपके अनुच्छेद उसमें से लागू कर दिए गए थे। तो अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है पूर्ण रूप से संविधान आपका कब लागू किया था, मैंने आपको पहले बता दिया 26 जनवरी 1950 को लागू किया, क्यों लागू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर पूछते हैं क्यों, क्योंकि हमारा संविधान तो कब बन गया था, हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था, तो हमने कब, हमने तो इतना ये 26 जनवरी 1950 को डेट को क्यों चुना भाई, 26 नवंबर 1949 को भी तो हम लागू कर सकते थे संविधान को, लेकिन उस दिन हमने आंशिक रूप से संविधान लागू किया, हमने 26 जनवरी 1950 डेट को क्यों चुना, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, आप याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, अतः उसी दिन संविधान लागू करने के लिए चुना गया। जी बिल्कुल, आप याद रखें, स्वराज पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मतलब देश में मनाया गया था, तो क्या इसी दिन को संविधान लागू करने के लिए चुना गया था, इसलिए आप ये याद रखें कि संविधान तो तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। कंफ्यूजन नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर रखना है। चलिए आगे देखते हैं, जो संविधान की मूल किताब है उसको क्या है, नंदलाल बोस द्वारा उसमें चित्र बनाए गए थे, जो मूल किताब है उसको क्या, हीलियम है, उसको रखकर सुरक्षित रख दिया गया है, इसको कोई टच ना कर सके, जिसमें उसमें कोई खराबी ना आ सके। तो क्या मूल संविधान की मूल किताब में नंदलाल बोस द्वारा चित्र बनाए गए थे, उसमें क्या राम सीता के चित्र हैं और बहुत सारे चित्र हैं, तो क्या उसमें जो चित्र बनाए गए थे, नंदलाल बोस द्वारा चित्र बनाए गए हैं। और क्या है, क्या भारतीय, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और जिसमें क्या है 395 अनुच्छेद आर्टिकल और 12 सूचियां, यानी कि 12 इंडेक्स हैं। लेकिन जब अगर यहाँ पर बात करें मूल संविधान जब लिखा गया था तब कितने थे, तो वहां पर 395 अनुच्छेद आर्टिकल तो थे, लेकिन 8 अनुसूचियां, मात्र 8 अनुसूचियां थी, अब बाद में 4 अनुसूचियां, 4 इंडेक्स और भी जोड़ दी गई, तो यानी अब हो गई है 12 अनुसूचियां। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, और वर्तमान में क्या है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां है।
और क्या है, संविधान में कितने भाग थे? भारतीय संविधान में 22 भाग थे, तीन बाद में जोड़ दिए गए। लेकिन आप ऐसे याद रखें, 22 प्लस 22 प्लस 3, लेकिन अभी भी आखिरी आखिरी जो आपका नंबर है वो क्या है, वो आखिरी नंबर 22 ही है। लेकिन इसलिए आपका जब भी क्वेश्चन आए कि भारतीय संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 भाग ही आप लिखेंगे उसमें, चाहे भले ही तीन बाद में जोड़ दिए, लेकिन आप 22 भाग ही उसमें लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए, तो ये रहा आपका ये कुछ भारतीय संविधान के निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड आपका ये वीडियो, सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मैं आप उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर भी हमारे आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, और भी कुछ टॉपिक्स इससे रिलेटेड कुछ भी पढ़ना है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपको पढ़ना है, पढ़ना अच्छा लगता है, तो हमारे ब्लॉग से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।